हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। तो अभी जो CDLU में एक केस हुआ है, जब उनने रीचेकिंग के लिए अपने एग्ज़ाम की शीट्स दोबारा चेक कराई, जब आने के बाद उसने RTI लगाने के बाद उसको शीट मिली तो उसमें शीट्स फटी हुई थी कुछ, और उसमें से कुछ शीट्स जो उनने रिटर्न किया हुआ था और कुछ में से गायब भी थी। तो अब CDLU ने या सारी यूनिवर्सिटी ने एक कानून जारी किया है, अगर आपकी शीट फटे घूमे कुछ भी हो, पर यूनिवर्सिटी से उस विद्यार्थी का कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती, विद्यार्थी खुद ही जिम्मेवार होगा इस चीज़ को लेके। रीचेकिंग में आंसर शीट के पेज का कम मिलने पर विद्यार्थी ने की CM विंडो में शिकायत। आंसर शीट फटे या गुम हो जाए, यूनिवर्सिटी की नहीं अब विद्यार्थियों की होगी परीक्षा। ये नया नियम जारी किया गया है CDLU की तरफ से, और अभी सारी यूनिवर्सिटी भी इसी नियम को रूल फॉलो करेगी। तो हम देख सकते हैं क्या केस हुआ था। बेसिकली चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में परीक्षा के बाद विद्यार्थियों की आंसर शीट के पेज गुम हो जाएं, विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत CM विंडो में की थी। मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन के गले ही फंस गया। भविष्य में इस स्थिति से बचने के लिए अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने एक नया नियम बना दिया है कि परीक्षा के बाद यदि विद्यार्थी की आंसर शीट फटे घूमे या कुछ भी होए, उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, स्टूडेंट विद्यार्थी खुद ही उसका जिम्मेदार होगा। हुआ यूं कि CDLU के एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, रिजल्ट आया तो छात्र की उम्मीद से परे था कि भाई मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया था और ये मार्क्स कैसे आया। तो CDLU के प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांच कराने के लिए फॉर्म भरा और RTI भी लगाई। जिस RTI में बेसिकली क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको वो आप जो आंसर शीट आपने लिखी है या तो आप यूनिवर्सिटी जाके चेक कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कैसी चेकिंग हुई है, कहाँ नंबर दिए हैं, क्या किया है, या क्वेश्चन अनचेक्ड है। उनने RTI लगा के आंसर शीट देखी, दोबारा जांच करने के लिए फॉर्म RTI लगाई। इस दौरान खुलासा हुआ कि उत्तर पुस्तिका से पेज ही गायब हैं और क्षतिग्रस्त हैं। उसने CDLU प्रशासन को शिकायत दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उक्त विद्यार्थियों ने CM विंडो में शिकायत दर्ज करवा दी। मामला तूल पकड़ा तो परीक्षा केंद्र के तत्कालीन सुपरवाइजर से लेकर सुपरिटेंडेंट और अन्य कर्मचारियों पर शक की सुई घूमी। जांच का विषय बना कि आखिर उत्तर पुस्तिका में पेज गायब होने की हरकत कहां से हुई है। शिकायत के चलते लिया गया है फैसला कि अब जैसे एक स्टूडेंट ने किया है, आगे बहुत सारे स्टूडेंट भी शिकायत कर सकते हैं, इसलिए नियम चेंज किया कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिका संबंधी शिकायत बार बार VV ऑफिस में आ रही थी, भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े इसलिए नियम बना दिया गया है कि अब रीचेकिंग आप निकलवा रहे हैं, अगर कोई आपके पास जो शीट आ रही है उसमें चाहे फटे घूमे आंसर शीट कुछ भी हो, विद्यार्थी उसका खुद जिम्मेदार होगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट के लिए। थैंक यू।